यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहां की पावन भूमि वनों समुद्रों रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार आदाब गुड इवनिंग, मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। साथियों, पिछली 3 कड़ियों में हमने आपको सैर कराई थी श्रवण बेलगोला के कुछ अनछुए पर्यटक स्थलों की, मगर आज का एपिसोड अनूठा है क्योंकि आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली की मुख्य प्रतिमा के लिए, जिसके लिए श्रवण बेलगोला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मगर हम उजागर करेंगे कुछ ऐसे अनजाने तथ्य जिनसे आम सैलानी आज भी अनजान है। सुबह की कुनकुनी धूप हमारा स्वागत कर रही है और हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य अर्थात श्रवण बेलगोला की ओर। सामने विंध्यगिरी पर्वत हमारा श्रवण बेलगोला में स्वागत कर रहा है, धन्यवाद पर्वतराज। तो आइए गाड़ी से उतरकर अंदर प्रवेश करते हैं और तैयार हो जाते हैं चढ़ाई के लिए। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि यह चढ़ाई हम करेंगे नंगे पांव। तो 660 सीढ़ियों की चढ़ाई पर हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऊपर बढ़ते हर कदम के साथ हम दूर होते जा रहे हैं शहरी चकाचौंध व शोरगुल से और ईश्वर के पावन सानिध्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, बाईं ओर हम देखते हैं वह पुराना पहाड़ी रास्ता जिसे प्राचीन काल में श्रद्धालु इस्तेमाल करते थे ऊपर पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए। मित्रों, उस समय यह सीढ़ियों वाला पक्का रास्ता नहीं बना था, इसलिए लोग पहाड़ पर ट्रैक करते हुए ऊपर जाते थे। आपको उसी काल में ले जाते हुए उसी ट्रैक से आगे की चढ़ाई पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, मेरी कैमरा क्रू को अपने उपकरण लेकर ऊपर इस मार्ग पर चढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है, इसीलिए वे नीचे ही रुक जाते हैं और मैं अकेला ही आगे बढ़ जाता हूँ। ऊपर चढ़ते हुए मैं रियलाइज करता हूँ कि यह ट्रैक काफी स्टीप है। दोस्तों, वे नीचे से ही मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। खड़ी चढ़ाई के कारण मैं हाथ पत्थर पर टिका टिका कर आगे बढ़ रहा हूँ। यह मार्ग तो वाकई काफी मुश्किल व दुर्गम है। दोस्तों, मुझे फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है क्योंकि जरा सा पैर फिसलने पर ही नीचे गिरने का खतरा बना हुआ है। रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर ट्रैकिंग शूज के बिना ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। नीचे का दृश्य देखने पर मुझे एहसास होता है कि मैं काफी ऊंचाई तक चढ़ाया हूँ। मेरी कैमरा क्रू काफी नीचे छूट चुकी है, अब मुझे आगे की शूटिंग स्वयं अपने साथ लाए कैमरे से करनी होगी। दोस्तों, पता नहीं मैं आपको क्या दिखा पा रहा हूँ, कैमरा किस एंगल पर घूम रहा है, क्योंकि कैमरे के साथ ऊपर चढ़ना बेहद कठिन है। खैर, जो भी हो, आपको साथ लेकर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह देखकर खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मगर दोस्त, तुम्हें भी ऊपर ले जाना अभी संभव नहीं है, इसीलिए तुम यहीं विश्राम करो। एक बार थोड़ा सा सेटल होकर आपको नीचे का दृश्य दिखाता हूँ। अरे बाप रे, मैं तो काफी ऊपर पहुंच गया हूँ। मुझे थोड़ी और हिम्मत रखनी होगी और लीजिए, धीरे धीरे करके मैं विंध्यगिरी पर्वत की चोटी के समीप ही पहुंच गया हूँ। यह अनुभव तो वाकई काफी थका देने वाला था। दोस्तों, अत्यधिक थकान के कारण
मंदिर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ना भी अब मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। मैं बार बार रुक कर विश्राम कर लेता हूँ। तो इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आपके लिए भारत दर्शन का संदेश। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह के अलग थलग रास्तों पर बिना प्रोफेशनल सपोर्ट व उपकरणों के अकेले ना जाएं। मित्रों, जहां सीढ़ियों की तरह की प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हो वहां इनका ही उपयोग करें व अनजान रास्तों पर जाने का जोखिम ना लें। मुझे ऊपर ट्रैक करके आने के कारण बेहद थकान का अनुभव हो रहा है। तो इस प्राचीन गेटवे में थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ते हैं अपनी क्रू के साथ। हम पहुंच गए हैं अखंड बगीलू पर। मित्रों, यह एक मकर तोरण अर्थात क्रोकोडाइल गेटवे डेकोरेशन है, जिसका निर्माण यह गंगा साम्राज्य के शासन में 980 एडी में करवाया गया था। अखंड बगीलू का अर्थ है मोनोलिथिक गेटवे, अर्थात एक ही पत्थर को काट कर इस अद्भुत द्वार को बनाया गया था। दोस्तों, अखंड बगीलू पर स्थापित है एक अद्भुत गजलक्ष्मी पैनल। इस पैनल में दो हाथियों को देवी लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए चित्रित किया गया है, जिसके कारण इसे गजलक्ष्मी पैनल कहते हैं। माँ लक्ष्मी संपूर्ण भारतीय इतिहास में व अनेक स्थानों की मूर्तिकला में भी वैभव व प्रचुरता की द्योतक है। पैनल में लायंस व क्रोकोडाइल्स को भी चित्रित किया गया है। दोस्तों, अखंड बगीलू के पैनल को भारत का सबसे विशाल व सबसे बेहतरीन गजलक्ष्मी पैनल माना गया है। कुछ विद्वान तो इसे संपूर्ण विश्व में गंगा कारीगरी का उत्कृष्टतम स्पेसिमेन मानते हैं। द्वार के दोनों ओर दो छोटे मंदिरों का निर्माण 1130 एडी में होयसल राजा विष्णुवर्धन के सेनापति भरत मैया द्वारा कराया गया था। एक मंदिर श्री गोमतेश्वर बाहुबली को तथा दूसरा श्री भरतेश्वर मुनि को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार ये दोनों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी के पुत्र थे। साथियों, अखंड बगीलू प्रमुख बाहुबली प्रतिमा तक जाने वाले मार्ग का प्रथम द्वार है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। मार्ग में हम दर्शन करते हैं जैन मुनि के चरणों के। मंदिर के मुख्य प्रांगण में हम प्रवेश कर रहे हैं इस भव्य द्वार से होते हुए। ऊपर बढ़ते बढ़ते हमें मार्ग में अनेक बेहद खूबसूरत गेटवे डेकोरेशंस दिखाई दे रहे हैं, मगर अक्सर श्रद्धालु व सैलानी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह गौरवपूर्ण स्मारक है भारत के वैभवशाली इतिहास के दर्पण, जब शिल्प कला अपने चरम पर थी। हम पहुंच गए हैं सिद्धर बस्ती अर्थात सिद्धर टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। चलिए इस मंदिर को अंदर से देखते हैं। मंदिर की छत पर किया गया कार्य अद्वितीय है। गर्भगृह में स्थित श्री सिद्ध भगवान तीर्थंकर की ध्यानमग्न मूर्ति कितनी शांत लग रही है। यह मंदिर प्रसिद्ध है गर्भगृह के बाहर स्थित खंभों पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस के लिए। इन शिलालेखों को संत पांडिताराध्य और श्रुत मुनि की स्मृति में बनवाया गया था। इस स्मारक पर लिखे गए पाठ की रचना प्रख्यात कन्नड़ कवि मंगराजा ने की है। अब हम चलते हैं मुख्य प्रतिमा के दर्शन के लिए। प्रवेश द्वार के मंडप के ऊपर जैन मुनियों, उनके यक्ष यक्षियों व तीर्थंकरों के बेहद खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं। यह सदियों पुरानी मूर्ति कला तो वाकई बहुत ही आओ इंस्पायरिंग है दोस्तों। तो मित्रों, चर्चा करते हैं दक्षिण भारत में जैन धर्म के उद्गम की। कहा जाता है कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उत्तरी भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण 12,000 जैन मुनियों के एक समूह ने मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला की ओर विहार किया। कालांतर में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी मुनि दीक्षा लेकर यहीं आ गए और उन्होंने सामने चंद्रगिरी पर्वत पर ही समाधि ली। इस घटना के लगभग 1300 वर्ष बाद गंगा साम्राज्य के सेनापति चामुंड राय अपनी माता कालल देवी तथा अपने गुरु नेमी चंद्र जी के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर ही रात्रि विश्राम के लिए रुके। जानते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसी रात उन तीनों को एक ही स्वप्न आया
जिसमें यक्षी कुष्मांडिनी देवी ने चामुंडराय को सामने विंध्यगिरी पर्वत पर भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा का निर्माण करने का निर्देश दिया। कुष्मांडिनी देवी के निर्देशानुसार चामुंडराय ने एक तीर चंद्रगिरी पर्वत से विंध्यगिरी पर्वत की ओर चलाया, जिसके प्रहार से विंध्यगिरी पर्वत में भगवान बाहुबली की प्रतिमा का आकार प्रकट हो गया, जिसे बाद में मूर्तिकारों ने मूर्त रूप दे दिया। दोस्तों, इसी के कारण ही श्रवणबेलगोला एक अतिशय क्षेत्र है। तो हम साक्षात्कार कर रहे हैं विश्व विख्यात भगवान बाहुबली की गगनचुंबी प्रतिमा का। यह तो बेहद अद्भुत व नैनाभिराम दृश्य है साथियों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह लगभग 59 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा विश्व की एक ही शिला से निर्मित सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। तपस्या में लीन प्रभु के शरीर पर लिपटी लताओं को शिल्पकारों ने कितनी सुंदरता से गढ़ा है। लगता है मानो प्रभु की मूर्ति अभी सजीव हो उठेगी। चलिए दोस्तों, इस प्रतिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेते हैं। 58.8 फीट है मूर्ति यहाँ पर। ये विंध्यगिरी पर्वत है, जो मूर्ति बनाने के लिए कारीगर को 12 साल टाइम लगा था। विड्थ शोल्डर जो है 23 फीट है। एक ही हाथ 30 फीट है, फेस 11 फीट है, नेक 2 फीट है, ईयर और नोस 4 फीट है, लेग 15 फीट है। इतना विशाल बड़ा मूर्ति बनाने के लिए कारीगर को 12 साल टाइम लगा था। बाहुबली मूर्ति 981 में 1032 साल हो गए मूर्ति को। पूरा ग्रेनाइट पत्थर नीचे 650 सीढ़ी विद स्टैंड सिंगल रॉक, पूरा रॉक बेड इस पहाड़ आने के लिए जो 650 सीढ़ी विद स्टैचू सिंगल रॉक। अच्छा, सेपरेट नहीं स्टैचू। यहाँ एक रोचक घटना बताता हूँ आपको दोस्तों। कहा जाता है कि इतनी भव्य प्रतिमा के निर्माण के बाद सेनापति चामुंडराय के मन में घमंड आ गया था, जिसके कारण प्रथम मस्तकाभिषेक के दौरान चामुंडराय द्वारा प्रक्षालित दूध व जल प्रतिमा के मध्य भाग के नीचे ही नहीं उतर पाए। बाद में स्वयं यक्षी पद्मावती देवी एक वृद्धा का वेश धारण करके आई और उन्होंने एक लोटे दूध से ही मस्तकाभिषेक किया, जिससे प्रक्षालित होता हुआ दूध नीचे तलहटी में बहकर एक तालाब में इकट्ठा हो गया। हजार साल पहले यह तालाब दूध से भर गया था दोस्तों। कन्नड़ भाषा में सफेद दूध के तालाब को कहा जाता है बीड़ाकुड़ा, जो बाद में अभ्रंशित होकर बेड़गोड़ा हो गया, तथा श्रमण कहा जाता था उत्तर भारत से आए जैन मुनियों को, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा श्रमण बेड़गोड़ा या फिर श्रवण बेलगोला। मंदिर के बाहर स्थित गुल्लेकाई अज्जी मंडप में यक्षी पद्मावती देवी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा दूध के लोटे के साथ दिखाई गई है, जो इस कथा को आधार प्रदान करती है। मुख्य प्रतिमा के प्रांगण के चारों ओर कालांतर में सूताल्य का निर्माण किया गया, जिसमें जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों यक्ष व यक्षियों की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं तलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयोगिनां। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोट की कि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों के बीच यक्षी कुष्मांडिनी देवी की प्रतिमा भी है, जो निश्चय ही इस मंदिर के निर्माण में उनके योगदान का एक पुख्ता प्रमाण है। यहाँ पर बाहुबली मूर्ति बनाने के लिए कार्य करने में 12 साल टाइम लगा था। हर 12 साल में एक बार ऊपर से मूर्ति का अभिषेक। इस पावन तीर्थ स्थल को मन में बसाकर कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में भी कैद कर लेते हैं, तथा ऊपर जाने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, इस पावन तीर्थ स्थल से अब हम विदा लेते हैं। अगले सप्ताह मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपको ले चलूंगा एक नए सफर पर। आप अपने सुझाव हमें स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मिलने के वादे के साथ मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग अब आपसे विदा लेता हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए और हमारे साथ भारत दर्शन करते रहिए इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।